गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको संस्कृत में कोष्ठक की सहायता से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करने को मैं बताऊंगी। यानी कोई भी सेंटेंस यहाँ दिए रहेंगे और ब्रैकेट में आपको तीन वर्ड दिए रहेंगे, तीन वर्ड तीन शब्द दिए रहेंगे और उनमें से सही शब्दों को चुन करके आप इससे फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको बताती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लकार का ज्ञान होना चाहिए और आपको सर्वनाम शब्द का ज्ञान होना चाहिए। सर्वनाम शब्द यानी स, तो, ते, त्वम, युवाम, युयम, अहम, अवाम, वयम और लकार जैसे लट लकार, लिट लकार और लंग लकार का ज्ञान होना चाहिए। यानी वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए, फिर आप इसे इजली कर लोगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, यहाँ पे है ते सत्यम, ठीक है, यहाँ है ते। तो ये एक चीज़ और एक चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कर्ता जिस वचन और जिस पुरुष का होता है उसी वचन और पुरुष का क्रिया भी होती है, ठीक है। अब यहाँ जैसे है ते, तो ते के साथ हम क्या लगाते हैं, ती लगाते हैं या फिर तह लगाते हैं या अंति लगाते हैं, ये हमें देखना होगा। तो सह, तौ, ते, ठीक है, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन का शब्द होता है ते। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में भी हम यहाँ देखेंगे लट लकार का, क्योंकि यहाँ ती ता अंति है तो ये लट लकार का शब्द है, तो हम देखेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होता है लट लकार में, ती ता अंति। तो यहाँ पे अंति कहाँ है, यहाँ है, यानी कि ये शब्द जो है वो सही शब्द होगा, ठीक है। तो ते के साथ हम क्या लगाते हैं, अंति। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ते सत्यम वदंती, यानी वो सत्य, वे लोग सत्य बोलते हैं। अब अहम प्रातः काले ईश्वरम, मैं सुबह सुबह जो है प्रातः काले सुबह में ईश्वरम ईश्वर को, अब क्या है यहाँ है नमति, नमसि या नमामि। अब हमें देखना है कि अहम के साथ क्या लगता है, ती लगता है या सी लगता है या मी लगता है, आमी। तो यहाँ क्या है, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष प्रथम एक वचन में, उत्वचन में अहम होता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में अगर लट लकार का देखें हम तो क्या होगा, आमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नमामि। तो अहम प्रातः काले ईश्वरम नमामि। अब यहाँ पे आप देखिए खादिश्यता, खादिश्यति और खादिश्यामा है, यानी कि ये जो है लिट लकार का शब्द है, लिट लकार यानी भविष्यत काल, ठीक है। तब इसकी में देखना हमें कि बालिका के साथ क्या लगेगा, इश्यता लगेगा, इश्यति या इश्यामा। तो लिट लकार का कैसे चलता है, इश्यति, इश्यता, इश्यन्ति, इश्यसि, इश्यथा, इश्यत, इश्यामि, इश्यावा, इश्यावा। अब चूंकि ये बालिका जो है प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में लिट लकार में होता है इश्यति। अब हमें यहाँ देखेंगे कि इश्यति कहाँ पे है, तो यहाँ पे है ना खादिश्यति, तो ये जो शब्द है वो हमारा सही है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, खादिश्यति। अब है नेक्स्ट त्वम विद्यालयम, तुम विद्यालय। अब यहाँ है गमिष्यति, गमिष्यसि और गमिष्यामि। अब हमें देखना कि त्वम के साथ क्या लगता है, तो त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द है, स, तौ, ते, त्वम, तो मध्यम पुरुष एक वचन का। तो मध्यम पुरुष एक वचन में हम देखेंगे लिट लकार में क्या होता है, तो इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि। अब तो यहाँ शशि, शशि कहाँ पे है, गमिष्यसि, तो ये शब्द जो है वो सही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गमिष्यसि। यहाँ देखिए अखादत, अखादह और अखादतम है, यानी कि ये जो है शब्द वो लंग लकार का शब्द है। अब इसके साथ देखिए लंग लकार का है तो तौ के साथ क्या लगेगा, तो तौ जो है वो प्रथम पुरुष द्विवचन का शब्द है, स, तौ, तौ मीन्स होता है वे दोनों, तो प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो यहाँ देखेंगे हम प्रथम पुरुष द्विवचन में
लंग लकार में कैसे चलता है? तो लंग लकार में चलता है अत अताम अन अह अतम अत। तो यहाँ जो है तौ प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन में हम देखेंगे तो क्या होता है अत अताम, ठीक है अत अतम। तो यहाँ अतम कहाँ पे है? अखदतम। तो वो जो शब्द है वो सही होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? तौ भोजनम अखादतम, ठीक है अखादतम। तो ये शब्द जो है वो सही शब्द होंगे। अब है लास्ट वयम। वयम क्या है, कौन सा शब्द है, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन का है? तो देखेंगे हम सह तौते तम युवाम युयम अहम आवाम वयम, यानी उत्तम पुरुष बहुवचन का शब्द होता है वयम। तो हम देखेंगे यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन में लंग लकार का रूप ऐसे चलता है अत अताम अन अह अतम अत अम आव आम। तो क्या है? आम है, यानी कि क्या है यहाँ पे? आ पठाम। ठीक है, तो ये जो शब्द होंगे वो सही शब्द होंगे। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।